फिल्म धूम 3 के टिकट्स की हाई प्राइसिंग को लेकर आई खबर के बाद अब आमिर खान ने मीडिया से ऑफिशियली बात करते हुए कहा है कि फिल्म की टिकट प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है और टिकट के प्राइस उतने ही है जितने बाकी बड़े बॉलीवुड फिल्म्स के अब तक रहे हैं। दरअसल धूम 3 के टिकट प्राइस के बढ़ने के न्यूज से फैंस काफी मायूस थे। AR रहमान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने म्यूजिक असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को खुद AR रहमान ने लिखा है और ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी। AR रहमान ने इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर अब तक कोई बात नहीं की है। खबरों की माने तो आमिर खान ने फिल्म धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सलमान खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है। आमिर इस फिल्म की स्क्रीनिंग रिलीज से एक दिन पहले ही रखना चाहते थे लेकिन यशराज फिल्म्स ने अपनी पॉलिसीज की वजह से आमिर खान के इस प्लान को अप्रूव नहीं किया और अब आमिर रिलीज के दिन ही इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म जय हो के टाइटल को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। दरअसल AR रहमान का दावा है कि जय हो टाइटल उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है, ऐसे में उनकी परमिशन के बिना ये टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में AR रहमान के वकील लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली सर्च इंजन गूगल ने 2013 के मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है जिसमें एक्टर्स में सलमान खान रहे नंबर वन की पोजीशन पर, वहीं एक्ट्रेसेस में कैटरीना कैफ ने पाई है नंबर वन की पोजीशन और फिल्म्स के मामले में चेन्नई एक्सप्रेस रही मोस्ट सर्च फिल्म। मनीष शर्मा डायरेक्टेड फिल्म फैन की एक्ट्रेस का नाम अब तक फाइनलाइज नहीं किया जा सका है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश में है। वैसे इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा का नाम इस फिल्म के लिए सामने आ चुका है। प्रियंका चोपड़ा फाइनली अपने भाई और मॉम के साथ छुट्टियां मनाने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर चली गई है। प्रियंका ने लगभग 5 साल के बाद 12 दिनों की छुट्टी ली है और PC इस छुट्टी के बाद न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करेंगी और उसके बाद जनवरी 2014 से अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। खबरों की माने तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बड़े भैया के लिए एक्ट्रेस नरगिस फाखरी का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सूरज बड़जातिया ने रिसेंटली इस सिलसिले में नरगिस फाखरी से बात की है।